एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है। इस देश ने सत्ता तो कई बार पलटते देखी, लेकिन बदलते नोटों का ये दौर पहली बार था। ये वो वक्त था जब देश के 16वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो फैसला जनता को सुनाया जो आम लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा असर छोड़ने वाला था। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये वो फैसला है जिसे आजाद भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। मोदी सरकार का काले धन के कुबेरों पर अब तक का सबसे बड़ा वार। हालांकि इससे आम जनता को भी भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिनसे निजात दिलाने के लिए मोदी जी ने जनता से 50 दिन का वक्त मांगा था। ये मोहलत अब खत्म होने वाली है। ऐसे में क्या 2017 तक चीजें सामान्य हो पाएंगी? क्या जनता इस फैसले से खुश है? नोटबंदी के इस दौर में किसको कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा, ये जानने के लिए दस्तक इंडिया के संवाददाता अजय चौधरी ने फरीदाबाद में कुछ जगहों का मुआयना किया और आम लोगों से बात की। नोटबंदी को 47 दिन हो चले हैं। नोटों का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50 दिन के भरोसे पर लोगों ने काफ़ी कठिनाइयां उठाई हैं। अब वो 50 दिन भी पूरे होने वाले हैं, नया साल आने वाला है। क्या नए साल पर स्थिति सामान्य हो पाएगी, यही जानने के लिए हम फरीदाबाद में आ पहुंचे हैं। नोटबंदी के असर और लोगों पर इसकी राय जानने के लिए हम सबसे पहले फरीदाबाद की डबुआ मंडी पहुंचे और लोगों से नोटबंदी को लेकर चर्चा की। नोटबंदी का डबुआ मंडी में क्या असर है? डबुआ मंडी में जी देखो, हाँ। तो भाई साहब, हमारे तो बहुत ज़्यादा लॉस दिखलाई दे रहा है जी, हम तो इतना बता सकें जी। किस तरह का लॉस है? सब्जियां कम बिक रही हैं। सब्जियां जब पैसा होता तो सब्जियां महंगी होती, अब वो डाउन पर दिन पर दिन डाउन ही होता जा रहा है जी। अच्छा, रेट डाउन होते जा रहे हैं और ग्राहक नहीं आ रहे। ग्राहक तो अपनी थोड़ी बहुत जो जरूरत है, जिस टाइम पे 1 किलो ले हुआ था, अब आधा किलो से पूर्ति कर रहा है, वो तो पाव भर से भी पूर्ति कर रहा है, पूर्ति करेगा वो तो। लोग सोच कर खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अब दिखलाई दे रहा है नोटबंदी, अगर कल को कहाँ से आएगा? 2000 रुपये मिलते हैं, उसी के बदौलत आदमी चलता है, उसी के हिसाब किताब से चलेगा। व्यापारी माल लेकर आया अपना गांव से, और ही माल आज 2 दिन होगा पड़े, कोई माल नहीं ले रहा है, और वापसी बच्चा हूँ बाहर देख रहा, पैसे आएंगे जब खर्चा चलाएंगे, कहाँ से पैसा चलावा, कहाँ से खर्चा चलावा। कोई ऐसा भी है क्या जो मंडी छोड़ के वापिस घर गया है, सब्जी वाला? ऐसे कम से कम 10-100 बिहारी चला गया, और जो और एरिया के आदमी थे वे भी सभी चले गए। नोटबंदी के बाद हुआ वापस अपने घर चले? जी आप वापस चले गए। नोटबंदी आएगा, मंडी के अंदर काम धंधा भैया है ही ना, बिल्कुल भी काम ना, सब देख रहे हो चौपट पड़ा है। अब नोटबंदी से ये काम मतलब हुआ है ये। अच्छा, हाँ, जब खुला नोट था आदमी पे तो काम अच्छा चल गया। तो आपको लगता है कि ये 50 दिन होने वाले हैं नोटबंदी के, और इसके बाद क्या स्थिति सामान्य हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। मोदी जी ने कह दिया है कि वैसा रुपया 50 दिन के बाद खुला मिलेगा। हाँ, 50 दिन के बाद खुला रुपया मिलेगा, फिर काम उठ जाएगा। अच्छा, तो आपको पूरी उम्मीद है कि खुला रुपया मिल जाएगा? खुला रुपया उम्मीद है कि मिलेगा। आपको उम्मीद है कि खुले रुपया मिलने लगेगा? उम्मीद की बात तो यू है, जब 50 दिन अच्छे दिन आएंगे तो खूब पैसा भी ऐसे होगा। अच्छे दिन तो ये तो हमारे मंत्री जी भी कह रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। यहाँ नोटबंदी के चलते सभी ने काफी दिक्कतें पेश आने की बात कबूली, लेकिन इसके बाद भी जहाँ कुछ लोगों ने
मोदी के इस कदम को सराहा, वहीं कुछ में इसे लेकर भारी रोष भी दिखा। इस वक्त काफी लोग हमारे साथ हैं, अब हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग नोटबंदी के समर्थन में हैं और कितने खिलाफ में हैं। हाँ जी, आप नोटबंदी के समर्थन में हैं, कितने लोग समर्थन में हैं? सारे। आप समर्थन? हाँ जी। खिलाफ कौन है नोटबंदी के? किसको लगता है कि निर्णय सही नहीं है? सही है जी, बिल्कुल। आप सबको सही लगता है? जी। अपना अपना बताए। सही है। किस लिए सही है आप बताए? सही है, काला धन वापिस आ रहा है धीरे धीरे और देश की तरक्की होगी। एकदम तो प्रॉब्लम होगी ना। एक आए जिसे अच्छा नहीं लगा जी, आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? भाई हम तो अच्छा नहीं लगा, हम तो क्या काम बर्बाद होगा, जो अपन घर को पैसा वो भी दिए थे वापस ना मिले। तो मतलब क्या आपका कहना है कि पैसा नहीं आ रहा वापस? जी है जी, हम 2000 मिला 8 दिन में, अभी तक हमने दिया ना देखा 500 का। अब हम 2000 में खाद लावांगे या डीजल लावा जी? हम अपनी फसल से बैठ गए, हमें नू अच्छा लग रहा है नोटबंदी। मतलब कि पैसे हाथ में नहीं आ पा रहे? नहीं आ पा रहे। आप अच्छा, ये नोट दिखा रहे हैं, ये इनका ये कहना है कि हमारे पास यार तेरे नोट कैसे नहीं आ रहे? कमी क्यों ना रहे कि आप खुश हो इस पैसे से? खुश है क्यों नहीं है? अच्छा, तो ये फैसला सरकार का अच्छा आपके हिसाब से? हमारा सर अच्छा बढ़िया है। आपको लगता है कि कोई असर पड़ा है यहाँ पे? नहीं पड़ा है। कौन पड़ा? बहुत बड़ा है। अच्छा, कि अच्छा असर पड़ा है, नेगेटिव असर पड़ा? पड़ा भाई, नेगेटिव पड़ेगा। मोदी का नाम बदनाम कर रही है पब्लिक। पब्लिक मोदी का नाम बदनाम करने के लिए जो लोग मना कर रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी, आपको भी ऐसा लगता है जी? हाँ जी, मोदी सही आदमी है? मोदी सही आदमी है, उसका फैसला सही है? उसका फैसला सही है जी। तो मंडी में कोई कैशलेस काम हो रहा है, आपको लगता है कोई कार्ड वार्ड से काम चल रहा है, पेटीएम वगैरह से? अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वही नोट आ गए। अभी कार्ड से कोई सिस्टम नहीं है, नया लोग जानते भी नहीं है अगर भाई कैसे कार्ड चलेगा, कैसे कैशलेस होगा, क्या होगा। मतलब कि कैशलेस करने की जो प्रक्रिया है वो भारी दिख रही है, पता ही नहीं लग रही है कैसे होगा। लोगों को पता नहीं है, लेकिन नोट आ गए और ये चालू हो जाए तो हिंदुस्तान सबसे आगे। आपको क्या लगता है, फैसला सही है मोदी सरकार का? बिल्कुल सही है ये। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो नोटबंदी का कोई असर आपको दिख रहा है? नोटबंदी का असर तो ये है, जो लोग गरीब हैं उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, मालिक बोलता है कि तनख्वाह देंगे, अभी नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए गरीब आदमी पे कितना असर पड़ा है। उधार लेने जाएगा दुकानदार मना कर देगा, तनख्वाह नहीं है गरीब आदमी को, पैसा नहीं है। अच्छा, मेरे को पेंशन मिलती है, 2 महीने हो चुके नोट की वजह से, बैंक के कह देते हैं और कैश नहीं है, कैश नहीं है, फिर भी हम गाड़ी अपनी चला रहे हैं। आप अपना काम चला रहे हैं देश के लिए, चला रहे हैं, यहाँ चाहे 2 पैसे की मजदूरी हो उसी में गुजारा कर रहे हैं। फरीदाबाद की डबुआ मंडी के बाद हमने ओल्ड फरीदाबाद चौक पर दस्तक दी। यहाँ आए दिन हजारों की संख्या में लोग ऑटो और रिक्शा का सफर तय करते हैं। यहाँ हमने जाना कि 8 नवंबर के बाद से इन लोगों की जिंदगी पर किस तरह का असर पड़ा। हालांकि यहाँ भी लोगों की राय मिली जुली थी। कब से रिक्शा चलाते हैं? मेरे को तो यहाँ से 15-16 साल हो गए चलाते हैं। और नोटबंदी हुई है, उसके 50 दिन होने को आए हैं, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ा है आपके काम धंधे पर? धंधे में असर ही पड़ा है ना जी, बहुत धंधा का नया ही नहीं, बिल्कुल ही खत्म नहीं है, कोई बैठता ही नहीं, रिक्शा सब पैदल ही जाते हैं यहाँ से। मतलब कि सवारियां घट गई हैं, सवारी कोई बैठता ही नहीं है जी। सर, एक आध सवारी आपके रिक्शे में बैठती है, उसको खुलने की दिक्कत आती है? आती है नहीं, दिक्कत बहुत आती है खुल्लों की। अच्छा। परेशानी होती ही है। तो मतलब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा। एक बात ये और कि 50 दिन का पूरे होने को आए हैं, मोदी सरकार ने जो 50 दिन का जो समय दिया था कि उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी 50 दिन बाद? ऐसा नहीं लगता जी, हमको तो और परेशान जी। ये बताएं, नोटबंदी का क्या असर आपके काम धंधे पर पड़ा है? मेरे काम पे बहुत फर्क पड़ा है सर, दिन भर में हम पहले 1000-1200 कमाते थे, 500-600 कमाना भारी पड़ रहा है। तो ये बच्चों की फीस भी नहीं भरी जा रही है, ना गाड़ी की किस्तें भी निकाली जा रही है। ना आप गाड़ी की किस्तें दे पा रहे हैं, ना बच्चों की फीस भर पा रहे हैं, और आप जो पैसा है वो बैंकों में जमा कर पा रहे हैं? बैंक में कहाँ जमा करें, घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो पा रहा, बैंक में कहाँ से जमा करेंगे? निकाल भी नहीं पा रहे बैंक? नहीं निकाल पा रहे। अच्छा, तो मोदी सरकार ने 50 दिन का समय दिया था, उसकी मियाद भी पूरी होने को आई है, क्या आपको लगता है कि उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी? नहीं होगी सर। अच्छा, क्यों नहीं लगता आपको स्थिति? सर, जब 50 दिन में कुछ नहीं हो पाया, आगे क्या होगा? लाइन जाके देखो कितनी लग रही है, आज भी लोग इतने परेशान हैं पैसों के लिए, तो 50 दिन में नहीं हो पाया तो आगे कहाँ से हो पाएगा? 50 दिन में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारी जो करेंसी बना रही है ना, जो बैंक के पास में जो करेंसी बनाने का आइटम है या कुछ भी है, वो मतलब
उतने समय में 50 दिन के अंदर नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसकी सीमा कम से कम 6 महीने, 50 दिन में कैसे बना लेगी, 50 दिन में स्थिति सामान्य कैसे हो जाएगी। करेंसी की कमी बढ़ रही है बिल्कुल, जो हमने 1000 के और 500 के जो नोट बंद किए हैं मोदी साहब ने, तो 50 दिन में कैसे अवेलेबल हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते ना यार। अब हम माचिस की तिल्ली है, अगर एक तिल्ली आएंगे तो दूसरी रखनी तो पड़ेगी ना यार, उसमें क्या है। उन्होंने सोचा सही है, उनका प्रोसीजर सही है, लेकिन उसमें जो टाइम है ना वो थोड़ा कम है, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे उसको स्थिति सामान्य होने में। ओल्ड फरीदाबाद चौक के बाद हम पहुंचे फरीदाबाद की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक, NIT वन मार्केट। मार्केट में हमारी उम्मीदों के उलट लोग नोटबंदी के फैसले से बेहद खुश नजर आए। यहाँ हमने सड़क किनारे कपड़ों की मार्केट लगाने वालों से लेकर फरीदाबाद व्यापार मंडल के महासचिव वेद प्रकाश कुकरेजा तक से बात की, लेकिन सभी ने अब हालात बेहतर होने की बात कही। कुल मिला के बहुत अच्छा हो रहा है, और इसके लिए जो है ना हम उनके धन्यवादी हैं मोदी जी के, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इस वजह से काला धन और ये अपना भ्रष्टाचार खत्म होगा देश में से। ठीक है, कुछ दिनों की परेशानी है, 10-15-20 दिनों की थोड़ी बहुत लाइनों में लगने की बैंक से, बाकी हमारे व्यापार में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 2-4-5-10% का पड़ा है, क्योंकि हम लोगों के पास तो स्वैपिंग मशीन है, और आजकल जितने भी कस्टमर आते हैं सबके पास है कार्ड सिस्टम। बाजार में क्या ग्राहक घटे हैं? नहीं, कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बाकी 2-4-5-10% का तो पड़ता ही है मार्केट के अंदर फर्क, क्योंकि करेंसी वगैरह के लिए थोड़ी दिक्कत होती है बैंकों में लाइनों वाइनों में लगना कई बार। बाकी कुल मिला के इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, पब्लिक भी खुश होगी, दुकानदार भी खुश होंगे, सारा पूरा फरीदाबाद क्या पूरा देश ही खुश होगा इसमें। ये बहुत अच्छा कदम किया इन्होंने, अगर ये काम थोड़ा और पहले हो जाता तो बहुत बढ़िया था, ये इसमें कोई दो राय नहीं। आपने माना कि थोड़ा असर पड़ा है, क्या आपको लगता है कि 50 दिन के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी? मोदी जी ने 50 दिन का समय मांगा था। जी बिल्कुल ही सामान्य हो जाएगी, अगर 1-2% की कहीं कमी रह भी गई तो वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और पब्लिक खुश होकर साथ दे रही है मोदी जी का, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया। हम लोग तो इतने खुश हैं, दुकानदार ये नोटों वोटों की गिनती विनती असली नकली वगैरह इससे हम बिल्कुल छुटकारा मिल गया हम लोगों को। आप पूरी तरह कैशलेस हो चुके हैं? बिल्कुल, लगभग हम पूरी तरह कैशलेस हो चुके हैं। लोग कार्ड से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं अभी भी, नोटों से कर रहे हैं? नहीं सर, कार्ड से कर रहे हैं ज़्यादातर, 5% लोग जो है ना 5-10% कैश से ले रहे हैं, बाकी जो है ना लगभग 90% कस्टमर जो है कार्ड से कर रहे हैं। इसके बाद हमने ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। यहां हमारी मुलाकात राजकुमार से हुई, जो रोजाना फरीदाबाद से पलवल का सफर ट्रेन से तय करते हैं। राजकुमार की जिंदगी पर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा, और उन्हें उम्मीद है कि शायद इस फैसले के बाद देश की दशा सुधरेगी। नहीं, नोटबंदी के बाद हमारी ज़िंदगी पर तो मुझे कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिला, कि क्यों जैसी ज़िंदगी चल रही थी उसी हिसाब से चल रही है, कोई इसमें बदलाव नहीं आया। बाकी लगता है कि शायद ये फैसला अच्छा था, जो इससे भ्रष्टाचार कम होगा आपको लगता है? अभी तक जो करेंसी पूरी अगर वापस नहीं आती है तो उससे तो ये ज़रूरी है कि इस भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ लगाम लगेगी, और जैसा कि रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं हम कि वहाँ पैसे पकड़े गए यहाँ पकड़े गए, तो उससे भी लगता है कि लोगों की व्यवस्था में तो फ़र्क पड़ा है, जो जिनके पास पैसा था। बाकी आम आदमी की ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव अभी नहीं दिखाई दे रहा है, और आगे जब पैसा अगर पूरा नहीं आ पाएगा सरकार के पास तो करेंसी छपेगी, तो ज़रूरी बात है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो उससे लगता है कि आगे बदलाव आएगा ज़रूर। तो ये आपको लगता है कि अच्छा फैसला है सरकार का? हाँ श्योर, पक्की बात है कि अच्छा लगता है कि अच्छा फैसला था और अच्छा ही रहेगा। एक के बाद एक अब तक 47 दिन बीत चुके हैं। इस बीच देश लाइनों में लगने के बाद भी प्रधानमंत्री को सुनना नहीं भूला। आए दिन RBI की नई गाइडलाइंस ने जहां लोगों की परेशानियां बढ़ाईं, वहीं कुछ राहत भी दी, लेकिन कुल मिलाकर विकास और नए भारत के सपनों के सहारे देश अब भी मुस्कुरा रहा है। दस्तक इंडिया फरीदाबाद।